नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आज हम खड़े हैं तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज क्षेत्र में, जहां बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उत्तरी पूर्वी जिला के प्रभारी दिलीप पांडे, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज पुष्कर व क्षेत्र के अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ बच्चों के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन व डांस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। यहाँ बच्चों के लिए फ्री झूलों का प्रबंध किया गया, जिसका सभी बच्चों ने भरपूर मजा लिया। आइए देखें व सुने यहाँ आए बच्चों व गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा क्या कहा गया। सब लोगों को सब
बच्चों के लिए यहाँ पे सब कुछ फ्री है और बहुत अच्छे से हमें झूले पे झुलाया जा रहा है और स्टॉल्स लगे हैं। बाल दिवस पे मेला लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने स्टॉल लगाया, आसमानी झूले लगाए, कि हमें अगली बार भी इससे अच्छा झूला लगना चाहिए। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत सारा घूमा, बहुत सारे स्टॉल लगे, हमें बहुत अच्छा लगा। आज मैंने इंजॉय करा बहुत, और मेरे को और मेरे स्कूल में बहुत इंजॉय हुआ। आज बहुत गेम खिलाए गए और यहाँ पे मेरे को मैंने बहुत सारे गेम खेले और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खेली, और इसलिए मैं इस साल में हर साल में ये मेला लगना चाहिए। थैंक यू। मैं आज के मेले के बारे में बता रहा हूँ। आज के मेले के अंदर बहुत सारे गेम्स थे, आज के मेले के अंदर बहुत सारी सब्जियाँ थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे झूले थे और अच्छे झूले थे। हर साल यही मेला न दे। थैंक यू। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को, इस विधानसभा, इस लोकसभा और इस दिल्ली के लोगों को बाल दिवस की। और अच्छी बात यह है कि शुभकामनाएं उन माता पिताओं को भी जिन्होंने 2015 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार चुनी, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री मनीष भाई बने। और मनीष भाई शिक्षा मंत्री बने तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि 3.5 साल से दिल्ली जो है बाल दिवस मना रही है। कैसे मना रही है कि दिल्ली के बच्चों का भविष्य जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके मनीष भाई सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हर बच्चे के लिए इस समय के ज़माने के जो चाचा नेहरू हैं, जो उनके भविष्य की चिंता करते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में 26% ऑफ टोटल बजट खर्च करते हैं, वो भाई मनीष सिसोदिया जी हैं। पूरे देश में शिक्षा मंत्री हैं लेकिन वो खाली नाम के हैं, काम का एक ही है अपना मनीष भाई, ये सब लोग मानते जानते हैं। तो इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता था, जहाँ एक साथ दो चीज़ें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है भाई छोटेलाल जी के साथ में आने से, तमाम बच्चों के सानिध्य में बाल दिवस मनाया जा रहा है, और एक बड़ा संदेश ये जा रहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का शिक्षा से बेहतर कोई और रास्ता, कोई और औजार, कोई और तरीका नहीं हो सकता। और आम आदमी पार्टी की सरकार इसको बखूबी समझते हुए इसी रास्ते से देश के भविष्य को बदलने में लगातार प्रयासरत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ तमाम स्थानीय साथियों का, नागरिकों का, बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी का, छोटेलाल जी का, पंकज पुष्कर जी का, और तमाम संगठन के पदाधिकारियों का, कि जिनकी उपस्थिति में यह हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया गया और संगठन को, परिवार को, कुंबे को यहां मजबूत किया गया। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। एक्चुअली पहले तो मैं बधाई देता हूं अपने साथियों को, पंकज पुष्कर जी और उनको, पूरी टीम को, जिन्होंने आज बच्चों के लिए बाल दिवस का मेला लगाया। और इस अवसर पे मुझे खुशी है कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं भाई मनीष सिसोदिया जी, वो आज के समय के चाचा नेहरू बन के उभरे हैं, और एजुकेशन में जिस तरह की क्रांति उन्होंने छेड़ी है, मुझे लगता है कि ये बच्चे बड़े होकर वास्तव में देश का भविष्य बनेंगे, क्योंकि बिना शिक्षा के तरक्की नहीं हो सकती, और शिक्षा का स्तर अगर गिरेगा तो पूरे देश का स्तर गिरेगा। और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे गरीबी की हालत में, मजबूरी में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो सरकारी स्कूलों के जो हालात थे उस हालात को बदल के शिक्षा में जो नई क्रांति मनीष जी ने की है, मैं समझता हूँ वो पूरी तरह से चिल्ड्रंस डे को डेडिकेटेड है, और इन बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनने वाला है, और मैं बच्चों को बधाई देता हूँ। हमने बाल दिवस के अंतर्गत बच्चों को फ्री झूले झुलाए, साथ ही एक ड्राइंग कंपटीशन किया जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को हमने प्राइज़ दिए गए, और साथ ही साथ हमारा सौभाग्य आज हमारे बीच में दिलीप पांडे जी और गौतम सर, हमारे यहाँ के विधायक पंकज पुष्कर जी भी उपस्थित हुए। साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे अभी भी पीछे चल रही है। तो हम लोगों ने आज बाल दिवस इस रूप में मनाया। बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि खूब बढ़ें, आगे पढ़ें और खूब तरक्की करें। बाल दिवस का बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे, और बहुत बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और अब तो ये भी नहीं रहा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, हम लोग जब पढ़ते थे तो टेंट वाले स्कूल में पढ़ते थे। मैं तिमारपुर में यहीं रहती थी, रोशनारा रोड पे, और हमारा स्कूल टेंट वाला स्कूल कहलाता था, लेकिन आजकल बहुत अच्छे स्कूल बन गए हैं। तो मैं बच्चों को यही संदेश दूंगी कि बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है, जितना पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा धन है पढ़ाई का जो वो अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाल मेला का आयोजन किया गया दिल्ली सरकार के तरफ से मलकागंज के सामने, और जैसे ही हमने एंट्री करी तो एक पूरे माहौल में दिख रहा था कि ये कार्यक्रम बच्चों के लिए है। अलग अलग झूले लगाए गए हैं जिसमें बच्चे फ्री में झूल सकते हैं, उसके अलावा अलग अलग एनजीओ से लोग आए हुए हैं, और इसी तरह मैं भी एक एनजीओ में काम करती हूँ जिसका नाम है अलोह मोरा एजुकेशन फाउंडेशन, जिसमें हम दिल्ली सरकार के 8 स्कूलों के साथ काम करते हैं 11वीं और 12वीं कक्षा के साथ।
साथ। और हम दो चीज़ों पे काम करते हैं, पहला कि उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाए कि वो कहीं पे भी जाके किसी के सामने बोल सकें, अपने विचारों को रख सकें, और दूसरा कि 11वीं और 12वीं में रहते रहते ही वो करियर की तैयारी अभी से कैसे कर सकते हैं, और कैसे अलग अलग करियर होते हैं जिनके बारे में शायद बच्चों को पता भी नहीं है, जैसे फिटनेस, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी स्किल डेवलपमेंट अभी से बच्चों में डालना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जैसे डांस, सिंगिंग आदि, और पूरा उत्साह था माहौल में, और बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे माता पिता थे, सब लोग एक साथ आए और बाल मेला का उत्साह उन्होंने भरपूर लाभ उठाया, तो बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए, हम बच्चों को संदेश ये देना चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर कोई बाबा साहब अम्बेडकर छुपा हुआ है, कोई जवाहरलाल नेहरू छुपा हुआ है। हम बच्चों को केवल प्यार नहीं करते, हम बच्चों का सम्मान करते हैं। तो ये जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, ये इन सपनों को सच करने वाली पार्टी है, जिसमें कि हर बच्चे के अंदर जो कलाकार, वैज्ञानिक, नेता, प्रशासक छुपा हुआ है, उसको हम बाहर लाएँ। आज छोटेलाल अग्रवाल जी और उनके साथ सैकड़ों जो साथी जुड़े हैं, और उन्होंने जुड़ने का तरीका क्या बनाया कि हम बाल मेला करेंगे। इन्होंने कोई राजनीतिक तमाशा नहीं किया, भाषणबाजी नहीं की, बच्चों का उत्सव मनाया और बच्चों के अंदर के हुनर को बाहर निकाला। यही सोच दिखाती है आज हमको, जिस अरविंद केजरीवाल जी और मनीष जी के जिस नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और जो हमारी एक स्थानीय स्तर के सबसे मजबूत कम्युनिटी लीडर्स जुड़े हैं, ये सब मिलके हमको हर बच्चे के अंदर जो असीम प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उसको निकालने का रास्ता और मजबूत करते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि मलकागंज सब्जी मंडी और पूरे तिमारपुर का क्षेत्र उन बच्चों के सपनों को पूरा करने का एक अड्डा बनेगा, उसका केंद्र बनेगा, उसकी राजधानी बनेगी। हर बच्चे के अंदर बहुत असीम प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको निकालने का आज हम संदेश देते हैं। बच्चों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ हम खड़े हैं, हम सब खड़े हैं, हम उनके अंदर जो ऊंची से ऊंची ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, हम मिलकर उसको पूरा करेंगे। यही हमारा कहना।